अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, फिट फाट, मज़े में। आप सबकी दुआओं से आप लोग सुनाइएगा कैसे हैं। बस नाश्ते से फ्री होके मैं अपने रूम में आई। रूम में आई तो मैंने कहा अपनी बेडशीट चेंज कर लूँ, क्योंकि कल कपड़े धोने थे, फिर मशीन लगेगी तो बेडशीट धुल जाएगी। ये देखिए मैंने अपनी बेडशीट चेंज कर ली, रूम अपना क्लीन कर लिया मैंने। बस इसके बाद फिर मैं किचन में जाऊंगी, किचन क्लीन करेंगे, उसके बाद फिर कुकिंग स्टार्ट करेंगे हम। किचन क्लीन होता है तो कुकिंग में बहुत मज़ा आता है, फिर करने में सुकून से कुकिंग होती है। फिर देखिए सुबह के नाश्ते के बर्तन रखे, मतलब मैं किचन क्लीन करती हूँ चुटकी बजा के, फिर आप लोगों को मैं आज ये देखिए क्लीन हो गया। आज की रेसिपी दूंगी फिर मैं आपको, क्या बना रही हूँ बताया मैंने आपको, पालक शलजम मूली की भुजिया। इसमें मैंने पालक हाफ के जी लिए, और स्पाइसेस होंगे इसमें हल्दी पाउडर, कुटी लाल मिर्च, सॉल्ट, जीरा चुटकी बराबर, और रायदाना हाफ, मूली एक, टमाटर एक ही, शलजम होगा बस इतनी बनाऊंगी, इनफ होगी हम लोग को। हरी मिर्च ली है अपने हिसाब से ले लीजिएगा, हमारे में कम खाया जाता है तो इस हिसाब से कम ली। और लहसुन लिया मैंने, इसका भी भगार होगा। स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ मैं बताती रहूँगी। बस ये मैंने कट करके सब कुछ रख लिया था, क्योंकि इजी हो जाती है कुकिंग जब चीज़ें कटी हुई होती हैं, तो आराम से कुकिंग हो जाती है फिर। और आप लोग बताइएगा आज आपके यहाँ क्या बन रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया है, इसमें मैं रायदाना, ज़ीरा और लहसुन का भगार करूँगी अभी मैं। ऑयल मैंने कम ऐड किया है, क्योंकि अभी ये डबल भगार होगा, इसलिए अभी ऑयल कम रखिएगा आप भी। बस ये थोड़ा सा तड़का बन अच्छा सा हो जाए, लहसुन थोड़ा अपना कलर चेंज कर ले, तो फिर उसके बाद मैं इसमें आपको बताती हूँ क्या ऐड करना है। बहुत मज़े की बनती है। बस ये देखिए लहसुन ये अपना कलर चेंज किया, इसमें टमाटर, हरी मिर्ची मैंने ऐड कर दी, और ये जो मैंने स्पाइस रखे थे ये सब ऐड कर दिए इसमें मैंने। ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में चटपटा नहीं खाते, नॉर्मल स्पाइस होता है, इसलिए बस फिर नॉर्मल रखती हूँ मैं। इसकी अच्छी सी भुनाई करें सब्जियों में, अभी सॉरी सर्दियों में सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी आई हुई हैं, बहुत मज़े मज़े की आई हुई हैं। मुझे चिकन से ज़्यादा अच्छी मुझे सब्ज़ियाँ लगती हैं। कुछ लोगों को सब्ज़ियाँ अच्छी नहीं लगती, बस बनाने के तरीके होते हैं अलग अलग सबके। अच्छा खाना बनाओगे तो सबको पसंद आता है, चिकन भी खा खा के बंदा बोर हो जाता है। मैं तो बहुत बोर हो गई चिकन खा के, मुझे गोश्त चिकन ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे सब्ज़ियाँ ही पसंद है बस। ज़्यादातर आप मेरे ब्लॉग में सब्ज़ियाँ ही मिलेंगी, क्योंकि मुझे खुद सब्ज़ियाँ पसंद है तो मैं वही बनाना पसंद करती हूँ। ये देखिए मूली को ऐड करके मैंने थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगी, उसके बाद मैं शलजम ऐड करूँगी। इसमें मैंने शलजम ऐड कर दिया, इस क्यूब्स में कटिंग कर लीजिएगा, क्योंकि ये मिक्स हो जाएंगे, सब कुछ घुल जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता मैश होता रहेगा। किसी ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अभी देखिएगा चमचे से सब मैं आपको ब्लेंड करके दिखा दूँगी। इसमें पानी ऐड नहीं करिएगा, पालक अभी डलेगी उसी के पानी में, दोनों चीज़ें गल जाएंगी, शलजम भी और मूली भी। बहुत आसानी से और बहुत मज़े की बनती है ये, बहुत इजी रेसिपी है। जो इस तरीके से बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग। ये देखिए मैं पालक ऐड कर रही हूँ अभी, कितनी ज़्यादा लग रही है माशाल्लाह से पालक, बाद में देखिएगा नज़र भी नहीं आएगी ये। अभी इसको मिक्स करके मैं दम पे रखूँगी, पालक अपना पानी छोड़ेगी तो इसी पानी में मूली और शलजम गल जाएंगे, पानी बिल्कुल ऐड नहीं करिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, आपका लाइक मेरी हिम्मत बढ़ाता है, और शेयर कर देंगे तो फिर उससे भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका वेलकम मेरे व्लॉग में। अब ये देखिए मैं इसको दम पे लगा रही हूँ, अब ये दम पे
पानी छोड़ेगी पालक अपना, तो उसी पानी में ये मूली और शलजम दोनों गल जाएंगे। ये देखिए उसने पानी छोड़ दिया पालक ने, मैं आपको वो दिखा रही हूँ। ये देखिए छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए करें मेरे बोलने में या दिखाने में, प्लीज़ इग्नोर कर दिया करें। न्यू न्यू चैनल है इंशाल्लाह ताला, आहिस्ता आहिस्ता आपकी दुआओं से सब सेट करती रहूँगी। आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। ये देखिए मैं चमचे से ही इसको मैं मैश कर रही हूँ, यहीं पे सब मिक्स हो जाएगा, किसी ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको ना कोई बीटर की। हमारे हाथ और हमारे चमचे ही बहुत हैं इनको पीसने के लिए। हमेशा कुकिंग खुशबाश होके करनी चाहिए, इससे क्या होता है आपके खाने में टेस्ट बहुत अच्छा आता है, खुशी खुशी सब कुछ उसमें ऐड होता रहता है, आपकी थिंकिंग सारी पॉजिटिव थिंकिंग, और खाने में टेस्ट डबल हो जाता है फिर। ये देखिए मैंने 3 से 4 जवे लिए थे लहसुन के, और मैंने इसे घी से बघार करी हुई, घी का बघार बहुत मज़े का होता है, इसका टेस्ट अच्छा आता है। बस लहसुन अपना कलर चेंज करेगा तो मैं इसमें फिर बघार करूँगी। ये देखिए तैयार हो गई, मैश हो गया सब कुछ, मज़े की लग रही है। प्लीज़ लाइक कर दें, जो जो वीडियो वॉच कर रहे हैं प्लीज़ लाइक कर दें, जो न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर दें, मेरी न्यू वीडियो आपको आती नज़र आती रहेगी, जो जो आती रहेंगी। ये देखिए मैंने इसका बघार कर दिया, बहुत यमी बना है बहुत। आप लोग इस तरीके से बनाइएगा, मेरे स्टाइल में बहुत मज़े का बना है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज के ब्लॉग यहीं तक, अल्लाह हाफिज़।